अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरबाज खान फ्रॉम ब्रॉडवे रेटर्स। आज हम मौजूद हैं बैरिया टाउन के एक बहुत खूबसूरत प्रीसेंट प्रीसेंट 12 जो कि अली ब्लॉक के नाम से मशहूर है। अली ब्लॉक में बैरिया ने 125 गज़ और 250 गज़ के प्लॉट्स दिए हैं, जिसमें लोगों ने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करके 125 गज़ के विलाज और 250 गज़ के विलाज बनाए। आज हमारे पास एक विला मौजूद है जो कि 250 गज़ का है। लूप रोड पर यह वाकया है। लूप रोड पर इसकी जो है आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाता है, और बैरिया का जो अली ब्लॉक प्रीसेंट है इसमें आपको पार्क की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, इसके अलावा आपको मॉस्क जो कि अपने आखिरी मराहल पर है कंस्ट्रक्शन के, वो भी आपको मिल जाती है। ये विला है हमारे पास इस वक्त फॉर सेल मौजूद है, जिसका हम आपको इनसाइड टूर कराते हैं। अच्छा चलिए, इंटर होते साथ ही आपको एक कार पोर्च मिलता है जो कि काफ़ी डिसेंट साइज़ का कार पोर्च है। इसके बाद मेन गेट आपको मिलता है, यहाँ पे आपको राइट पे पहले स्टेयर्स मिल जाती हैं। स्टेयर्स के बाद आपको जो है बिल्कुल ओपन किचन मिल जाता है जो कि बहुत ही स्पेशियस है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है इसके कैबिनेट्स हैं डिज़ाइन की हुई है, और कैबिनेट्स काफ़ी जो है साइज़ भी उनका काफ़ी डिसेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है डाइनिंग प्लस जो है थोड़ा सा सिटिंग एरिया मिल जाता है। इसके बाद इसमें नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम है, जिसमें से फर्स्ट बेडरूम जो है आपको ये मिल जाता है जो कि इसका मास्टर बेडरूम है। बहुत ही स्पेशियस और काफ़ी जो है एलिगेंट तरीके से जो है ना डिज़ाइन किया गया है। फॉल सीलिंग का भी इसका बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है, और लाइटिंग का भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है। इसके बाद इसका वॉशरूम जो है वो भी काफ़ी जो है स्पेशियस है, और इसमें सैनिटरी भी जो है काफ़ी अच्छे ब्रांड में रही। वॉशरूम में भी आपको सीलिंग मिल जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं, जो इनके डोर्स हैं काफ़ी जो है सॉलिड वुड है, और काफ़ी जो है अच्छा मटेरियल जो है ना डोर्स में यूज़ किया गया। और इसके अलावा जो विला की फिनिशिंग है वो जो है बहुत खूबसूरत है। ये इसका सेकेंड बेडरूम जो ग्राउंड फ्लोर का सेकेंड बेडरूम आता है, इसमें फॉल सीलिंग का डिफरेंट थोड़ा सा डिज़ाइन किया गया, और बहुत ही खूबसूरत जो है, मतलब ज़्यादा कुछ ओवर नहीं है बट बहुत सिंपल है और बहुत ही जो है एलिगेंट लगता है। उसके बाद ये इसका वॉशरूम, वॉशरूम भी इसका डिसेंट साइज का वॉशरूम है, और टाइल्स और मार्बल का जो है बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है। मार्बल का जो इसका सिंक है। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर जाने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर जो है वेंटिलेशन का जो है एरिया दिया गया ताकि जो है एयर वेंटिलेशन हो सके, गर्मियों में जो है कूल रहेगा। ये आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है, काफ़ी जो है स्पेशियस ड्राइंग रूम है। इसके साथ जो आपको वॉशरूम भी अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है, जिसको आप पाउडर रूम की तरह जो है यूज़ कर सकते हैं। इस ड्राइंग रूम का जो है सेपरेट आपको जो है गैराज से जो है डोर भी मिल जाता है। ये स्टोरूम है जो कि फिल वक्त क्लोज है, इसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है। हम ऊपर की तरफ चलते हैं, स्टेयर्स में भी जो ग्रिल्स का काम है और काफ़ी अच्छा किया गया है। स्टेयर ग्रिल्स जो है बहुत अच्छी तरीके से इंस्टॉल की गई है। ऊपर आते ही जो है आपको एक तो छत के लिए एंट्रेंस मिल जाएगी, यहाँ पे ये आपको जो है छत के लिए यहाँ से एंट्रेंस मिल जाएगी, और छत पे भी जो है मार्बल का काम किया गया है ताकि बारिशों में कोई इश्यू ना हो। और ये इसका जो है फर्स्ट फ्लोर का जो है किचन है, स्मॉल सा किचन है। इसके बाद आपको इसको आप किसी तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और यहाँ यही वेंटिलेशन जो मैं आपको नीचे दिखाई, यहाँ से वेंटिलेशन। उसके बाद ये फर्स्ट बेडरूम है इसका, फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम तकरीबन सेम है, स्टाइल वर्क से थोड़ा डिफरेंस है, बाकी अदरवाइज सारे सेम है। बाद ये आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू मिल जाता है इसके बाद। ये जो विला है ये सिंगल बेल्ट का है, मतलब इसके बैक साइड पे कोई विला नहीं है, इसके बैक साइड पे सब कुछ वेकेंट है। वो मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ अच्छा सा, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। सिंगल बेल्ट का विला, ये इसका फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम। डोर्स का अगेन बहुत अच्छे तरीके से जो है काम किया गया, और फिनिशिंग बहुत अच्छी है विला की, बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है फिनिशिंग है।
टाइल्स, पेंट का काम, इलेक्ट्रिक वर्क जो है सब अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिनिश किया गया। ये जो है इसका मास्टर वॉशरूम, इसमें बहुत अच्छी टाइल्स जो है इंस्टॉल की गई है, मार्बल का सिंक है, प्रोडक्ट इसमें सैनिटरी जो है इंस्टॉल की गई है, और ये इसका जो है आपको लास्ट बेडरूम मिल जाता है। अब यहां से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इसका व्यू। ये इसका जो है आप देखिए व्यू, ये इसके बैक साइड का कोई विला नहीं है, इसके बाद सारे जो है ये अली ब्लॉक के विला है 250 गज के डेप्थ में। ये बिल्कुल हाइटेड लोकेशन, टॉप लोकेशन, जो सबसे हाईएस्ट लोकेशन है अली ब्लॉक की समझी जाती है, और मतलब इसके ना आगे आसपास कोई कमर्शियल है ना कुछ, तो ये बहुत ही जो है आइडियल विला है, पुरसकून और जो है बहुत ही अच्छे माहौल वाला विला है। ये इसका अटैच वॉशरूम, ये इसका जो है स्टडी रूम या प्रेयर एरिया, या जो है इसको जो है आप स्टूडियो की तरह भी, जिस तरीके भी से भी आप इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो है यहाँ पे आपको इसकी बैल्कनी मिल जाती है, काफ़ी स्पेशियस मतलब डिसेंट साइज की बैल्कनी है, और आप यहाँ पे खड़े होकर इन्जॉय कर सकते हैं, बारिश को भी इन्जॉय कर सकते हैं, अच्छे मौसम को इन्जॉय कर सकते हैं। इस वक्त हम छत पर आ गए हैं आपको थोड़ा सा एरियल व्यू देने के लिए। बैक साइड पर आप देख सकते हैं इसकी मस्जिद आपको दिख रही होगी, मस्जिद जो है तकरीबन अपने आखिरी मराइल पर है, ग्रे स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट हो चुका है, पेंट जॉब जो है स्टार्ट हो चुका है, और ये इसका जो है एरियल व्यू मिल जाता है आपको। सिक्योरिटी के हवाले से इसमें सारे जो है कैमराज इंस्टॉल्ड है, रूफ पे भी जो है आपको कैमरा इंस्टॉल मिल जाएगा, नीचे भी आपको कैमरा इंस्टॉल मिल जाएंगे, और ये आपको जो है सिक्योरिटी एक फीचर भी इस विला में मिल जाता है। और मार्बल का जो जिस तरह मैंने आपको बताया था, मार्बल का ही बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया, ऐसा नहीं जान नहीं छुड़ाई गई इसमें, बहुत अच्छा काम किया गया मार्बल का भी इसमें। तो फिनिशिंग आप देख सकते हैं, ये इसका वाटर टैंक आ जाता है ऊपर। तो ये है एक छोटा सा ओवरव्यू इस विला का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इस विला के हवाले से या बहरिया में किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से या प्लॉट के हवाले से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कुछ और आपने कुछ खरीदो फरोख करनी हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ब्रॉडवे रियल्टर्स, जो कि मेन जिना एवेन्यू पर वाक़ है, अब्दुल समद बिजनेस सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।